नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आज उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण अभियान समेत सहकारी खेती, जन सुविधा केंद्र और जन औषधि केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। गांधीनगर में आज से G20 आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक। आपदा से सीख लेते हुए बेहतर भविष्य निर्माण के लिए रणनीति पर होगी चर्चा। केरल के कुमारकोम में भी आज से शेरपाओं की बैठक में निर्णायक, समावेशी और कार्यात्मक एजेंडे पर होगी बातचीत। चंडीगढ़ में G20 देशों के कृषि कार्य समूह की बैठक में कृषि क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने की जरूरतों और आगे की रणनीति बनाने पर होगा फोकस। उधर मुंबई में व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक का आज आखिरी दिन। रामनगर की बैठक में भी वैज्ञानिक उद्योगों पर असर डालने वाले कारकों पर हुआ मंथन। देश भर में आज महानवमी और राम जन्मोत्सव की धूम। श्रद्धा और उल्लास में डूबे लोग। अयोध्या समेत देश भर के मंदिरों में प्रभु श्री राम के जयकारों से गुंजायमान। और मैड्रिड मास्टर्स में भारत की अच्छी शुरुआत। किदांबी श्रीकांत, साई प्रणीत, पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारतीय खिलाड़ी आज राउंड ऑफ 16 में पेश करेंगे चुनौती। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। वहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह आज गुरुकुल, ऋषिकुल और पतंजलि में होने वाले 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस है और खुफिया एजेंसियों का पहरा रहेगा। अमित शाह हरिद्वार में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और उद्घाटन करेंगे। क्या कोविड होने के कारण हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं और उनसे असमय मौत हो रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसने आज हर किसी को चिंता में डाल दिया है। केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस बारे में कहा है कि दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौत और कोविड के बीच संबंध का आकलन करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की ओर से एक अध्ययन किया जा रहा है और इसके परिणाम 2 महीनों में सामने आएंगे। मांडविया ने COVID-19 के बाद दिल के दौरे होने के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि को स्वीकार किया है और कहा है कि इस पर गंभीरता से चर्चा की गई है। और राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में COVID-19 के 300 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की इससे मौत हो गई है। इससे पहले मंगलवार को 214 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में कुल एक्टिव मामले 806 हो गए हैं और संक्रमण दर 13.89% हो गई है। तो वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 483 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। पिछले कुछ दिनों से देश भर में COVID-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। केंद्र सरकार की ओर से लोगों को सलाह दी गई है कि वो मास्क जरूर लगाएं और बेवजह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया आज से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर हैं। वो इस दौरान देहरादून और चमोली जिलों का दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री चमोली जिले के पलारी गांव के निवासियों और जनप्रतिनिधियों के साथ जीवंत गांव योजना के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ये योजना सीमावर्ती गांवों के विकास से जुड़ी है। वो 31 मार्च को देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। और महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना हर जिले में सावरकर गौरव यात्रा निकालेगी। आज से ये यात्रा निकाली जानी है, लेकिन कल पुणे के बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन के बाद यात्रा का शेड्यूल
बदला जा रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार वीर सावरकर पर टिप्पणियां कर रहे हैं। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि सावरकर ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महान भूमिका निभाई है और ऐसे नायकों के योगदान से भारत को आजादी मिली। कांग्रेस को चौतरफा घेरने के इरादे से बीजेपी और शिवसेना मिलकर सावरकर गौरव यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। उधर पिछले एक हफ्ते से बीजेपी ने भी मोर्चा खोला हुआ है और कहा है कि राहुल सावरकर का अपमान कर रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं होगा। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सावरकर ने ये दावा करके विवाद खड़ा कर दिया था कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। वीर सावरकर जी का जो अपमान निंदा बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी निंदा जितनी करे उतनी कम है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उन्होंने देश की आजादी के लिए जितनी मरण यातना सहन की है, ये सभी लोगों को पता है। और ऐसे देशभक्त स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का बार बार जानबूझकर अवमान करने का काम ये राहुल गांधी कर रहे और इसके साथ देश के बाहर भी जाकर हमारे देश के प्रति गलत बोलना, हमारे देश की लोकशाही की निंदा करना, ये भी एक प्रकार का देशद्रोह है, ऐसा मेरा मानना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हम सफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इट्स अनदर सिक्स। रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स ओटीपी सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर ओके भाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत, बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आइए अब खबर देखेंगे G20 से जुड़े हुए। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गुजरात के गांधीनगर में आज से G20 आपदा प्रबंधन कार्य समूह की पहली बैठक शुरू होगी। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी और आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता शामिल है। ये बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ आने और आपदा से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत केरल के कुमारकोम में आज से दूसरी G20 शेरपा बैठक शुरू हो रही है। 4 दिन की बैठक में G20 के सदस्य, 9 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के 120 से अधिक
प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में आर्थिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ साथ समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये चर्चा नीतिगत दृष्टिकोण और ठोस कार्यान्वयन दोनों पर केंद्रित होगी। बैठक में विभिन्न शेरपा ट्रैक और वित्त ट्रैक बैठकों के परिणामों को आगे बढ़ाया जाएगा, जो सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में अपनाए जाने वाले नेताओं की घोषणा का आधार तैयार करेंगे। बैठक की शुरुआत दो उच्च स्तरीय सह आयोजनों डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हरित विकास पर चर्चा के साथ शुरू होगी। बैठक में G20 प्रतिनिधियों के लिए एक व्यापक डिजिटल अनुभव भी प्रदान होगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चंडीगढ़ में कृषि कार्य समूह की बैठक जारी है। कृषि प्रतिनिधियों की ये दूसरी बैठक स्थायी कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। 31 मार्च तक आयोजित इस बैठक में सदस्य देश विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो चार विषयगत क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने से संबंधित होगा। मुंबई में चल रही G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक का आज अंतिम दिन है। इस 3 दिवसीय बैठक में आज व्यापार निवेश कार्य समूह की प्राथमिकताओं, वैश्विक व्यापार में MSME को एकीकृत करना और व्यापार के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स तैयार करने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बैठक में आज मजबूत लॉजिस्टिक्स अवसंरचना विकसित करने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी, जो सीमा पार और आंतरिक इलाकों में लेन देन की लागत को कम कर सकते हैं। बैठक का उद्देश्य MSME को वैश्विक व्यापार में बेहतर ढंग से एकीकृत करने का प्रयास करना है, साथ साथ वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में अपनी समझ का निर्माण करना है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए टीटी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज नवरात्र का आखिरी दिन है, आज महानवमी है। इस दिन मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा जाता है। तमाम मंदिरों में आज श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। इसके अलावा आज राम जन्मोत्सव भी है। देश भर में महानवमी और रामनवमी दोनों ही पर्व बड़े ही उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाए जा रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे राम जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। सकल भये मंद सुरभि वहि बाहु गिरगन मनि आरा। और रामनवमी पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों के दर्शन कराए जा रहे हैं। ये सुविधा आम लोगों के लिए 15 दिनों के लिए शुरू की गई है। इसके लिए प्रति व्यक्ति किराया 3,000 रुपये है। इसके माध्यम से भव्य राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम की पैड़ी, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, लक्ष्मण किला, सुग्रीव किला आदि का दर्शन कराया जाएगा। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से निर्माणाधीन भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। और हमारे सहयोगी संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। बहुत बहुत स्वागत है रामेंद्र जी आपका। आप राम की जन्मभूमि अयोध्या में मौजूद हैं। आज महानवमी भी है और रामनवमी भी है। किस तरह की धूम आप देख रहे हैं, किस तरह से लोगों में आस्था और श्रद्धा का कैसा सैलाब उमड़ा हुआ है? सैला ये अयोध्या है और अयोध्या है ही राम के नाम से। बिना राम के कोई अयोध्या नहीं है। भले ही राम 5,000 साल से संघर्ष करते रहे हो राम के मंदिर के लिए, लेकिन यह राम कड़कड़ में है, यहाँ हर व्यक्ति में राम है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति राम को दिल में बैठा कर आता है।
देखिए कितने उत्साह से लोग आ रहे हैं, क्या इनका उत्साह है सारे लोगों का, पूरे लोगों के जय श्री राम के नारों के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं और बाहर बड़ी भीड़ है, लोग कतारों में है। प्रशासन का कहना है कि आज लगभग 2 लाख लोग भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे और आए भी क्यों ना, क्योंकि राम यहाँ, भारत बिना राम के अधूरा और राम के सद्गुण लेने के लिए यहाँ आते हैं। अयोध्या जो आएगा वो राम के आदर्श आत्मसात करेगा, क्योंकि राम के आदर्श से ही भारत की पूरी संकल्पना है। तो राम भगवान रामलला जहाँ विराजमान है, तो वहाँ आने वाला व्यक्ति जब राम जी के दरबार में आता है तो राम के सद्गुण, राम की कथा, राम के आचरण अपने शरीर में मन में ढाल के आता है और वही दिख रहा है भगवान रामलला का। मैं कहूँगा कैमरामैन से भगवान रामलला का दर्शन कराएं लोगों को। जी जी बिल्कुल, आप अपने कैमरे के जरिए रामलला के दर्शन करा रहे हैं हमारे दर्शकों को। रामेंद्र जी, रामनवमी पर देखिए अयोध्या वासियों के लिए और यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए भी कितना बड़ा तोहफा है, जिस तरह से श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों के दर्शन कराए जा रहे हैं। ये जो व्यवस्था शुरू की गई है ये अपने आप में बहुत, मतलब कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं की तो उनके लिए तो एक जो है नहले पे दहला जो पैकेज कह सकते हैं, इसके माध्यम से वो काफी कुछ देखने को मिलेगा उन्हें। बिल्कुल सहला ये कहा जाता है कि भगवान राम के समय की जो अयोध्या थी वो स्वर्ग से सुंदर थी। जाहिर है कि जब भगवान राम यहाँ स्थापित हो रहे हैं तो अयोध्या भी बदल रही है। आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे, यहाँ सड़कें बेहतरीन है, कनेक्टिविटी बहुत शानदार होगी। अगर अयोध्या का रेलवे स्टेशन देखें तो आपको अयोध्या के रेलवे स्टेशन से ही राम दिखने लगेंगे। अगर आप इस तरीके से देखें कि रेलवे कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट पूरा बन गए, आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी बन जाएगी, तो जो सरयू के किनारे आप जाइए, बहुत शानदार नौकाओं में यात्रा कर रहे हैं लोग, स्नान कर रहे हैं, तो पूरी अयोध्या बदल चुकी है। दौर बीता है, संघर्षों का दौर बीता है, भगवान राम के स्थापना के साथ एक नई अयोध्या भी स्थापित हुई है, जिसका लुत्फ लेने के लिए श्रद्धालु भी आएंगे और पर्यटक भी आएंगे, तो पर्यटकों के लिहाज से भी ये अयोध्या तैयार की जा रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से भव्य श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, आप वहाँ पर बहुत सारे लोगों से भी मिल रहे हैं, आपने बात की होगी, किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों के बीच से निकल कर आ रही है? देखिए जैसे ही भगवान रामलला जहाँ अभी विराजमान है, जैसे ही एंट्री होती है तो दाहिने हाथ पर भगवान श्री रामलला का बन रहा भव्य मंदिर दिखता है और वहीं से लोग उत्साह में हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर परंपरा है, आदर्श है, अपनी संस्कृति है और वो राम के साथ जुड़ी, अगर राम नहीं स्थापित हो पाते हैं तो संस्कृति को हम कैसे स्थापित करेंगे, तो लोगों में उत्साह है। लोगों को लगता है कि भगवान श्री रामलला के साथ भारत की जो संस्कृति है, जो भारत दुनिया के साथ कनेक्ट होता है, चाहे थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, बहुत सारे देशों के रिश्ते जो हैं वो राम से जुड़े हुए हैं। राम दुनिया के साथ कनेक्ट करने के एक माध्यम है भारत का। तो जब उनको देखते हैं तो उनको उत्साह दुगना हो जाता है। यहाँ आने वाले लोगों को लगता है कि भगवान श्री रामलला स्थापित हो रहे हैं, जाहिर है संस्कृति स्थापित होगी, उनके आदर्श स्थापित होंगे, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के बहुत उत्साहित हैं जो लोग आ रहे हैं। आज तो रामनवमी जन्मोत्सव का दिन है, तो जाहिर है कि उत्साह और दुगना हो जाता है। सैला बिल्कुल, आप रामनवमी की इस धूम पर अपनी नज़र बनाए रखिए, लोगों से बात कीजिए और किस तरह का उत्साह है, आप भी उसका आनंद उठाइए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से ये इनपुट साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोर से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप देखते रहे एटीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने एक विशेष पहल की है, एक विशेष श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसका नाम है हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली पंडवानी लोक गायिका उषा बाले के विषय में, जो 7 साल की उम्र से पंडवानी गाती आ रही हैं, पिछले 45 सालों से इस विधा को आगे बढ़ा रही हैं।
ये है महाराष्ट्र का मशहूर लावणी नृत्य जिसे लावणी गीतों पर किया जाता है। हर प्रदेश की ये लोक संस्कृति बेहद समृद्ध और बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोक कलाएं हैं जो हमारे सामने इतनी प्रसिद्ध नहीं है लेकिन स्थानीय स्तर पर बहुत प्रसिद्धि पाती है, जैसे छत्तीसगढ़ की पंडवानी और उषा बारले जैसी लोक गायिकाएं इस तरह के लोक कलाओं को यानी पंडवानी को देश विदेश तक ख्यात दिला रही है और इसीलिए तो पा रही है पद्मश्री का सम्मान। पंडवानी अर्थात पांडव वाणी अर्थात पांडव कथा। मामा सबने कहे द्रियोधन राजा होकर के आप सोचते हो जी। छत्तीसगढ़ की एकल नाट्य कला, इस कला शैली में लोक गीतों को नए आयाम देने वाली छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली गायिका उषा बारले की कला क्षमता के प्रति सम्मान है पद्मश्री पुरस्कार। काला बादाम तोला काला सुनावा पिया गादी पादारा। महज 7 साल की उम्र से पंडवानी की कथाओं के बीच अपना बचपन जीने वाली उषा बारले लगभग 45 सालों से पंडवानी गायन में रमी है। और न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों में बल्कि ब्रिटेन अमेरिका समेत 12 से अधिक देशों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से पंडवानी विधा के रंग बिखेर चुकी हैं। महाभारत की जो कहानी पात्र है छोटे छोटे तो कहानी को हम लोग अपने सुर संगीत में पिरो के स्वर से गा रहे हैं तो पांडव की कथा है तो उसको पंडवानी कह दिए। संघर्ष और गरीबी झेलते हुए भी उषा बारले ने कला का साथ नहीं छोड़ा। पिता उन्हें कलाकार नहीं बनाना चाहते थे, उन्हें रोकने के लिए कुएं में भी फेंक दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 8 साल की उम्र से ही बड़े मंच पर प्रस्तुति देने लगी। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विधाओं में पारंगत उषा बारले गिरोदपुरी धाम में 6 बार स्वर्ण पदक से सम्मानित, मिनी माता सम्मान, भुइया सम्मान, चक्रधर सम्मान, मालवा सम्मान समेत करीब 2000 से अधिक सम्मान हासिल कर चुकी हैं। मोर पिताजी कलाकारी से नाचक रही थी तो मोर पिताजी ने बहुत तकलीफ मिले कलाकारी में तो मोर बेटी कलाकार बने करके ना मोर पिताजी के मन में रही से नहीं माने पिताजी के बात नहीं माने मोर पिताजी घुसता होकर कुआं डाल दी। ओकर बाद जो पाड़ा पड़ोस के मन देखी तो फिर कुआं से निकाली से। निकाले के बाद फिर मोर पिताजी ला 2-4 शब्द मन गाली दी डांटिस अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवर जातियों की गायन परंपरा है पंडवानी जिसे कभी भी कहीं भी आयोजित कर सकते हैं। कभी कभी कई कई रातों तक पंडवानी लगातार चलती रहती है। पंडवानी गायक तंबूरे को हाथ में लेकर कहानी प्रस्तुत करते हैं। तंबूरा कभी भीम की गदा तो कभी अर्जुन का धनुष बन जाता है और रोचक प्रश्नों के द्वारा कथा को आगे बढ़ाया जाता है। शिष्य को अब पद्मश्री मिला तो गुरु को कैसा लगता है, खुशी आती है, कम से कम उसको पद्मश्री के उपाधि मिली गई और वो भी आगे बढ़े। मेरे पास में पंडवानी सीखने आती थी, वो बेचारी गरीबी थी, वो केला बेचते थे और मेरे पास में मेरे ऑफिस में सीखने आती थी तो उसको दिल से सिखाती रही, आज वो सीख के पद्मश्री हो गई। इस लोक कला के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एड्स, पल्स पोलियो जैसे मुद्दों के प्रति जन जागरूकता भी फैला रही हैं उषा बारले। पंडवानी लोक कला के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लोक गायिका उषा बारले को पद्मश्री की हार्दिक शुभकामनाएं। जब दिल को छू लेने वाले गाने सुनने का मन करे तो सबसे पहले आनंद बख्शी के ही गाने याद आते हैं। ये एक ऐसे गीतकार थे जिनके नगमे ताउम्र जिंदा रहेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि है, आइए उनके गीतों के साथ हम उन्हें श्रद्धांजलि दें। आप उठाइए इन गीतों का आनंद और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। पावन का महीना पावन करे तोर, जियारा रे झूमे ऐसे
जैसे बनमाना तैमूर। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पांव रखना नहीं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है।